सो टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। सो इसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके बेसिक स्टेप्स। सो सबसे पहले मेल को हम डिनोट करते हैं किसे, प्लस, और अगर फीमेल कोई हो, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना, सेम जनरेशन। सर ये मतलब क्या आप बता रहे हो, सेम जनरेशन? अपनी लगा थोड़ा बहुत आपको इजी लग रहा है परसों से, क्यों? थोड़ा पढ़ा इसीलिए। ठीक है, सेम जनरेशन, सेम लाइन। सो व्हाट डज इट मीन, मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। ठीक, चलो मैं पहले आपको बताता हूं कि फादर, मदर, अंकल, आंट, ये एक जनरेशन है। समझ आ रहा है? फादर का बेटा मतलब सन, मैं। ठीक है, मेरी सिस्टर, इज इट क्लियर? मेरा कजन, मेरा ब्रदर, इज इट क्लियर? ये एक जनरेशन। समझ आ रहा है? देखो, ये मैं हूं, ये मेरा फादर है। ठीक है, अब इसका फादर ऊपर होगा, दैट इज ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इज इट क्लियर? तो याद रखना, तीन जनरेशन मैंने इस वक्त दिखाई। क्या दिखाई? कितनी जनरेशंस? तीन। ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, और ये, इज इट क्लियर? टफ मत लगा, समझ आ रहा है? अब हम इसे थ्रू ब्लड ट्री बनाएंगे, कैसे हम कर लेते हैं। ठीक, ओके। अब हमारे पास, लेट इट बी, आप इज्यूम करें ये मैं हूं, माई सेल्फ। ठीक, ये मैं हूं। ठीक है बेटा, यहां पे अब आप मुझे बताएं, जो मेरा भाई होगा वो किस लाइन में होगा, वो कौन सी जनरेशन होगी? से। ठीक है, यहां पे मेरा ब्रदर होगा, मगर याद रखना ये भाई होगा प्लस, इज इट क्लियर? हाँ, माई सेल्फ मुझे नहीं पता, मतलब आप लड़की भी हो सकते हो, लड़का भी। ठीक है, अगर लड़की हो तो आप नेगेटिव रखो, लड़का हो तो देखो, मेरा भाई यहां पे आया, ठीक है, और मेरी सिस्टर भी यहां पे आएगी, या यहां से भी लिख सकता हूं मैं, इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय डियर? दिस इज सेम जनरेशन। ओके, माय वाइफ, वो भी इसी लाइन में आएगी, क्योंकि वो सेम जनरेशन है। एज डजंट मैटर, छोटी है मुझसे, बड़ी है मुझसे, लेकिन जनरेशन सेम है। तो यहां पे ये, यहां पे माय वाइफ, अगर माय वाइफ तो इट मीन्स मैं प्लस हूं, ये नेगेटिव। इनको आपस में रखने हैं दो लाइंस, क्या रखने हैं? इट मीन्स एक दूसरे के लिए। क्या समझ आया बेटा? तो मेरा कजन वो भी इसी लाइन में आएगा, मेरा फ्रेंड वो भी इसी लाइन, इट मीन्स सेम जनरेशन, सेम। अब मुझे बताओ, जो मेरा फादर होगा ना, जो मेरा फादर होगा वो मुझसे बड़ी जनरेशन होगी कि छोटी जनरेशन? अगर बड़ी जनरेशन है ना तो ऊपर आएगा, दिस इज माई फादर, इज इट क्लियर? ओके, दिस इज माई फादर। अब मेरा फादर जो है, इसकी शादी हुई है मेरी माँ से, ठीक है, सो दैट इज माई मदर, यहां पे दो, इज इट क्लियर? ओके, मेरा चाचा, अंकल, वो भाई है ना मेरे पापा का, वो सेम जनरेशन, माई अंकल, इज इट क्लियर? एंड मार्क द वर्ड्स, अंकल मामा भी होता है। हाँ, अगर माँ का भाई है तो मतलब हम कहेंगे मैटरनल, इज इट क्लियर? तो यहां पे माई मदर्स ब्रदर, इज इट क्लियर? टफ लगा, टफ लगा? सेम जनरेशन, सेम लाइन, क्या मैंने कहा? सेम जनरेशन। ओके, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। अब मैं यहां पे हूं, यहां पे हूं मैं, अब मेरा बेटा कहां पे आएगा? वो छोटी जनरेशन होगी, माई सन, मेरी बेटी, इसी है ना, माई डॉटर, इज इट क्लियर? तो ये आपस में भाई बहन है ना। अब मुझे बताओ, मेरे बेटे की शादी होगी तो वाइफ होगी उसे, माई सन्स वाइफ, इज इट क्लियर? एक दूसरे के लिए, इज इट क्लियर? अब मेरे बेटे का बेटा कहां पे आएगा? समझ आ रहा है? माई सन्स सन, आर यू गेटिंग माय डियर? तो कहने का मतलब है, हमें सेम जनरेशन दिखानी होती है। क्या दिखानी होती है? सेम जनरेशन, सेम लाइन में, इज इट क्लियर?
देखो लेट इट बी, अगर मैंने यहां पे, आप देखो कैसे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर मैं कहूंगा यहां पे आमिर है, क्या है आमिर, इसे तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है आमिर, आमिर का फादर ऊपर आएगा कि नीचे आएगा कि इसी लाइन में आएगा? तो आमिर का फादर ऊपर आएगा, आमिर्स फादर, इज इट क्लियर? आमिर का बेटा, आमिर का बेटा नीचे आएगा, आमिर सन। अच्छा आमिर का दोस्त, सेम लाइन, दैट इज आमिर फ्रेंड, इज इट क्लियर? आमिर की वाइफ, इज इट क्लियर? सो ये आपका ब्लड रिलेशन ट्री है, ठीक है, आई होप ये आपने पढ़ा है और आपको अच्छे से आता है। ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस नाउ, किसकी तरफ जाएंगे हम, क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ओके। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सो ए बाई है किसका, अगर ए बाई है ना बी का, मुझे बता दीजिए ए बाई दो किस जनरेशन में आएंगे, तो ऐसे लिखेंगे मगर ए को रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मैं बाई हूं बाई का भी और बहन का भी, इज इट क्लियर? सो ए इज ब्रदर ऑफ बी, सेम जनरेशन, आर गेटिंग, इज इट क्लियर? ए इज ब्रदर ऑफ, डन, ओके नाउ वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज, ए क्या है किसकी, सो ए सेम जनरेशन है, यहां पे माइनस, सर यहां पे क्यों नहीं आप प्लस, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं, बहन बहन की भी हो सकती है, बहन भाई का भी, तो ये बहन है इसको हमने साइन रखी, इज इट क्लियर? सो ए इज सिस्टर ऑफ बी, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, ओके नाउ सो ए इज वाइफ ऑफ बी, ए क्या है किसकी, अब ए अगर वाइफ है बी की तो कितनी लाइन आपस में, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बना, क्योंकि ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, बीच में दो लाइन, इट मीन्स एक दूजे के लिए, सिंपल, ये भी और ये भी, फर्क समझो, ये बहन है और ये वाइफ है, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है, इज इट समझ आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में टफ है, टफ मत है, ठीक है ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर पार्ट, ओके, सो ए इज फादर ऑफ बी, ए बाप है, बाप कहां पे आता है, ऊपर, टफ लगा, इसको प्लस रखा हमने, बी को मत रखा, क्योंकि बाप बेटे का भी हो सकता है, बेटी का भी हो सकता है, ए इज फादर ऑफ बी, टफ लगा यार, ओके नाउ ए इज जो मदर है वो ऊपर आएगी कि नीचे आएगी कि सेम में आएगी, मेरी मां मुझसे बड़ी होगी ना, जाहिर सी बात है मां मुझसे बड़ी होगी, है ना, अगर मां बड़ी होगी तो कहां पे आएगी, तो ऐसे ही ए इज मदर ऑफ बी, तो नेगेटिव रखेंगे, लेकिन बी को हम साइन नहीं रखेंगे, क्योंकि मां बेटे की भी हो सकती है, बेटी की भी हो सकती है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके नाउ यहां से ए इज, ए क्या है किसका, सो हस्बैंड वाइफ कौन सी जनरेशन, सेम जनरेशन, ठीक है, सो ए हस्बैंड है तो ये पॉजिटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव बनेगा, एक दूजे के लिए दो लाइंस, सिंपल, ठीक, ये क्वेश्चन है, आता है यहां तक, ठीक है, ए इज, ए क्या है इसकी, दो लाइंस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक, कोई क्वेश्चन किए है आपने, क्वेश्चंस परसों तक किए है ना ये क्वेश्चंस, ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर पार्ट, ओके नाउ ये सारे क्वेश्चन से हमारे, ठीक, डरना नहीं है, अब देखना मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, ठीक बेटा, अब जस्ट पता है क्या करेंगे आप, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस का फोटो उठाएंगे आप, क्वेश्चंस का फोटो उठाएंगे आप, सिर्फ फिर डायग्राम बनाएंगे जैसे मैं बनाता हूं वैसे ही, इज इट क्लियर माय डियर? ठीक बेटा, ओके नाउ सबसे पहले क्वेश्चन इज, आर इज ब्रदर ऑफ जी, आर क्या है किसका, दो भाई किस जनरेशन आएंगे, तो यहां पे हमने लिखा आर इज ब्रदर ऑफ जी, बेटा यहां से देखना, यहां से देखिएगा, ठीक है, आर इज
ब्रदर ऑफ जी, इज इट क्लियर? ओके, कोशिश कीजिएगा फिर. एन इज द डॉटर ऑफ जी, एन बेटी है. बेटी नीचे होगी, ऊपर होगी कि सेम में होगी? एन किसकी डॉटर है? सो यहां पे एन हमने लिखा क्या है, और एन क्या है? डॉटर. एन इज द डॉटर ऑफ जी. इन अदर वर्ड्स, ये जो ये आर है, ये अंकल है. हाँ, चाहे मामा हो या चाचा हो, अभी पता नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर में तभी पता है. नहीं समझा? इज इट क्लियर? देखो, आर इज द ब्रदर ऑफ जी, एन इज द डॉटर ऑफ जी, एन नीचे आया. इसके बाद क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर. क्यू क्या है? किसकी? अगर क्यू है सिस्टर आर की, तो किस सेम लाइन में? मगर याद रखना बेटा, ये इसकी भी होगी ना, ये इसकी भी होगी बहन. क्यू इसकी भी बहन है. अभी इसका जेंडर पता? समझ आया? अगर भाई है तब भी बहन है, अगर बहन है तब भी ये बहन है. एक ही लाइन में आया ना. ओके, नाउ ओ इज द ब्रदर ऑफ एन. ओ किसका भाई है? सो एन कहां है? यहां पे. अब इसका भाई है ओ, सेम लाइन में. आपको कुछ दिखा वहां पे? ये ओ जो है ना, ये इसका भी होगा ना बेटा. नहीं समझ आया? ये आपने निकाला तो ऐसे लिखना. अभी हमें ये नहीं पता इसका जेंडर है. यहां तक ठीक? टफ मत लगा? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके, इसके बाद क्वेश्चन सेज एल इज द फादर ऑफ क्यू. एल इज द फादर ऑफ, अगर एल है फादर क्यू का, माय डियर मुझे बताओ एक मिनट. एल है ना फादर क्यू का, तो एल हमने यहां पे लिखा, ठीक. एल क्या है? फादर क्यू का. तो एल किसका फादर होगा फिर? आर का भी और जी का भी निकाला आपने, ठीक है. ओके, हु इज द अंकल ऑफ ओ? ओ का अंकल कौन है? देखो, ये बहन है, ये अंकल नहीं हो सकता. ओ का अंकल है ना आर. सो आर इज योर करेक्ट आंसर. डन बेटा, ठीक है. ओके जी बेटा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा. तो हमारे पास क्वेश्चन चेक आप करें, ठीक है. आर इज द ब्रदर ऑफ एस. आर इज द, आर क्या है? किसका? एन टी इज द फादर ऑफ आर. ओके, यू इज द ब्रदर ऑफ वी, एंड वी इज द डॉटर ऑफ एस. हु इज द अंकल ऑफ यू? डरना, एक एक लाइन में देखना है. सबसे पहले आर इज द ब्रदर ऑफ एस. क्या लिखा है? आर इज द ब्रदर ऑफ एस. तो यहां पे लिखे हम आर, आर इज द ब्रदर ऑफ एस लिखा. आर क्या है? ब्रदर. ओके, एंड टी इज द फादर ऑफ, टी किसका बाप है? तो बाप ऊपर आएगा कि नीचे? सो टी, टी है, टी इज द फादर ऑफ आर. अगर टी है फादर आर का, तो इट मीन्स एस का भी फादर है. निकाला आपने एक. कोई क्वेश्चन? टफ लगा? इजी है. ओके, यू इज द ब्रदर ऑफ वी. यहां पे मत है किसी जगह यू और वी, अलग लिखोगे आप. यू इज द ब्रदर ऑफ वी, फिर देखेंगे बाद में. यू किसका भाई है? वी का. फिर देखेंगे इसमें मत कोई रिलेशन निकलेगी, अगर निकलेगी तो फिर रखेंगे. एंड वी इज द डॉटर ऑफ एस. वी किसकी बेटी है? तो इसकी बेटी है वी, मगर इसके साथ है ना यू. समझ आया? समझ आया? वी इज द डॉटर ऑफ एस, लेकिन यू किसका भाई है? तो हमने यू लिखा. अब टफ लगा? रिलेशन निकली. ओके, हु इज द अंकल ऑफ यू? यू का अंकल कौन है? सो आर इज योर करेक्ट आंसर. इस ट्री से आपको मत प्रॉब्लम हो रही है, दिख रहा है ना मतलब क्या हो रहा है इस रिलेशन, ठीक. तो ये आपका अंकल है. चले, ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ठीक है बेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी. एल किसका बाप है? एन और पी का. तो याद रखिए बेटा, ऐसे लिखेंगे कि टफ लग रहा है. एल जो है बाप कहां पे होगा? सो एल हमने यहां पे रखा, और ये बाप है किसका? एन का, पी का. सो एल इज द फादर, ये हमने पॉजिटिव रखा, ठीक. अब बाप किसका होता है? बेटे का और या बेटी का?
ठीक, एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी. ओके, पी इज द सन ऑफ एल. पी क्या है? अगर पी है सन ऑफ एल, बट एन इज नॉट द सन. अगर एन सन नहीं है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एल? डॉटर. इजी? थोड़ा लगा इजी? क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट. ओके, नो, याद रखना, पहले पहले एक चीज बताता हूं. यू नो, जब ऐसे होता है ना, ऐसे यहां पे है ना, कॉमा डाला है ना, यहां पे कॉमा डाला है, ऐसे है ना, के द सन ऑफ जी वॉज मैरिड टू एच. ऐसे यहां पे अगर हुज और हु लिखा है, क्या लिखा है, तो बात हो रही है इसकी सेकंड पर्सन की. याद रखना किसकी. अगर एंड लिखा है, क्या लिखा है, तो बात हो रही है इसकी. ये आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक, तो के द सन ऑफ जी वॉज मैरिड टू एच, हुज मीन्स एच की बात कर रहा है. समझ आया किसकी बात कर रहा है ये? एच की. आर यू गेटिंग माई डियर? किसकी बात कर रहा है? एच की. इज इट क्लियर? तो अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसका आंसर हम निकालेंगे. बहुत इजी है, टफ नहीं है. अगर टफ होता मैं कहां दिखाता. देखो, सबसे पहले है के, है ना, अच्छे से पढ़ो. के द सन ऑफ जी, के किसका बेटा है? तो के यहां पे आएगा, बेटा किसका है? जी का. हाँ, के द सन ऑफ जी वॉज मैरिड टू एच. देखो, के जो बेटा है ना किसका? जी का. शादी किस किस के साथ हुई है? तो के को शादी हुई है एच के साथ. ये सन है तो ये आपस में दो है. टफ लगा? नो, के द सन ऑफ जी वॉज मैरिड टू एच. के द वॉज मैरिड टू, इज इट क्लियर? अब हुज का मतलब किसकी बात कर रहा है? एच की के की? एच की. जिसकी बहन क्या है? आई. सो एच की बहन क्या है? आई. जिसकी बहन क्या है? आई. वॉज मैरिड टू, अब इस आई की शादी किसके साथ हुई है? सो जे के साथ. दो रखे. हां, जे है ना द ब्रदर ऑफ के. जे किसका भाई है? मतलब ये भाई है आपस में. इन दो भाइयों ने दो बहनों के साथ शादी की है. समझ आए? सिंपल है ना? इन दो भाइयों ने दो बहनों के साथ शादी की है. अब मुझे बताओ, एक मिनट बेटा, के का फादर ये है, अब ये और ऑल्सो किसका फादर होगा? जे का होगा ना. अब मुझे बताओ एक मिनट, ये दो बहुए हैं, दो बहू, एक ये एक बहू और ये दूसरी बहू. अब इसे क्या कहेंगे? ये डॉटर इन लॉ है, ये क्या है? अब क्वेश्चन कह रहा है आई क्या लगती है जी को? आई लगती है डॉटर इन लॉ. अगर कहते जी क्या लगता आई को? फादर इन लॉ. नहीं समझ आया? क्वेश्चन कह रहा है आई क्या लगती है किसे? जी को. आई क्या लगती है किसे? तो हम कहेंगे डॉटर इन लॉ. क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल इट? डॉटर. सर थोड़ा बहुत हमें टफ लगा. लगेगा ना, पहली बार पढ़ना है ना. एंड आफ्टर 5 days ये बहुत इजी लगेगा. इज इट क्लियर बेटा? आफ्टर 5 days ये बहुत इजी लगेगा. क्या लगेगा? बहुत इजी. आपने प्रैक्टिस करनी है. क्या करनी है इसकी? प्रैक्टिस करनी है. जब आप कॉपी बनाओगे ना, अगर इसकी कॉपी बनाना, क्या मैंने कहा, यही कॉपी रखो आप ऐसे ही. क्या रखना? यही कॉपी. शाम को वीडियो जब देखोगे ना, ठीक है, उसी वक्त आप लिखोगे क्वेश्चंस भी अच्छे से. ठीक, तो एक बार देखना है इसके, इसे बार बार. इज इट क्लियर? तो उसके बाद फिर आगे जाके आप कितना डीप जाओगे इसमें, दैट इज अप टू यू. ठीक बेटा, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा से आएगा. यहां तक ठीक है? कोई क्वेश्चन है यहां तक? तो ये समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो बेटा, आदिल्स वाइफ, आदिल की वाइफ, आदिल को रखूं मैं यहां पे, आदिल. अब आदिल की वाइफ है यहां पे, आदिल की वाइफ. ये प्लस है, ये नेगेटिव है. ठीक, आदिल की वाइफ सिर्फ एक बेटी है. किसकी? शाहजा के फादर की.
समझो, शाजिया के बाप की सिर्फ एक बेटी है जो कि आदिल की बीवी है। अब मुझे बताओ, इसका बाप ऊपर आएगा कि नीचे? ऊपर। इसके बाप को कहते हैं शाजियाज फादर। क्या कहते हैं? इसकी है ना एक ही बेटी, तो यही है ना शाजिया। नहीं आया समझ? टफ लगा। फिर से आदिल्स वाइफ, आदिल्स वाइफ इज द ओनली डॉटर। आदिल की जो बीवी है ना, ये सिर्फ एक बेटी है। किसकी? शाजिया के। शाजिया का बाप ऊपर तो ये शाजिया है ना। शाजिया के बाप की एक ही बेटी है ना, वो शाजिया है। और शाजिया का दूसरा नाम है ना आदिल की बीवी। टफ लगा। फिर से ठीक, आदिल साहब, आदिल की बीवी, ठीक है, ये एक बेटी है। एक बेटी किसके बाप की? हाँ, इसके बाप का नाम क्या है? शाजिया का फादर। शाजिया का फादर ऊपर आएगा, शाजिया की बेटी यही है ना, दैट इज शाजिया। इज इट क्लियर? ओनली डॉटर है ना, अगर दूसरी डॉटर होती यहां पर भी लिखता मैं, लेकिन एक ही बेटी है। इज इट क्लियर? या ऐसे भी हम कर सकते हैं, सुनो, शाजिया फादर, इसकी एक ही बेटी, उसका नाम क्या है? और वही आदिल की वाइफ है, यहां पे आदिल, ये आदिल की वाइफ। इज इट क्लियर? ऐसे बनाओ, इट्स अप टू यू। सर पता है, मतलब उतने अच्छे से समझ नहीं है, उतने अच्छे से। कहते हैं ना, बी विद द प्रॉब्लम यू विल गेट सॉल्यूशन। जब इस तरह की प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे ना, आपको आएगा एक क्वेश्चन। डरना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन से, मतलब आप ये ऐसे करोगे, पता है कैसे? क्योंकि आपके दिमाग से ये प्रॉब्लम ना पहली बार टकरा गई है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, नाउ यहां पे देखो, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं। यहां आमिर ब्रदर्स फादर, आमिर के भाई का बाप, आमिर के भाई का बाप, तो हम क्या लिखेंगे? आमिर का बाप, तो यहां पे आमिर लिखा प्लीज, और आमिर का फादर ऊपर। यस सर, आप तेज दिखा रहे हो। आमिर ब्रदर्स फादर, दैट इज आमिर फादर। इज इट क्लियर? इज द ओनली सन, आमिर के भाई का बाप, सिर्फ एक बेटा है आमिर का बाप ना, एक बेटा है शाहजिया के ग्रैंडफादर का। शाहजिया के, डरना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये जो ये चीजें है ना, मैं आपको ये ऐसे दिखाता हूं, आप समझो। आमिर है, आमिर का फादर, ये सिर्फ एक बेटा है, ओनली सन। किसका? अब हम शाजिया को यहां से रखते हैं, जो शाजिया का ग्रैंडफादर है वो इसका बाप है ना, तो इसका बाप यहां पे आया, दैट इज शाजियाज ग्रैंडफादर। समझ आ रहा है? शाजियाज, इज इट क्लियर? तो इसका एक ही बेटा है, तो शाजिया फादर, यहां पे निकलेगी शाजिया। तो शाजिया क्या पहुंच लगती है? आमिर की सिस्टर। नहीं समझ आया? फिर से, आमिर का फादर, एक बेटा है, किसका? तो शाजिया का ग्रैंडफादर जो है ना, इसका बाप, वो ऊपर आएगा ना। समझ आया? ऊपर आया शाजिया का ग्रैंडफादर, इसका एक ही बेटा है, कौन? आमिर का फादर, वही है ना शाजिया का फादर। इज इट क्लियर? अब आमिर के बाप का एक तो आमिर है और क्या है? शाजिया। तो ये क्या लगती है आपस में? समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? शैल वी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, इजी है। तनु हैज अ ब्रदर अंकुर। तनु का भाई कौन है बेटा? यहां पे बताओ मुझे, मत डरो। तनु हैज अ ब्रदर अंकुर, ओके। तनु इज द सन ऑफ, अब ऐसा नहीं कर रहे, तनु आप समझो कि लड़की है ना। नाम कभी कभार नाम ना गलत भी होते हैं, ठीक। अब तनु हैज अ ब्रदर ओंकर, ठीक। तनु इज द सन ऑफ, तनु किसका बेटा है? इसका बाप कहां होगा? ऊपर। तो यहां पे शेखर आया,
ये पॉजिटिव में आया, आया पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ ये इसका भी बाप होगा, होगा ना इसका बाप? बात कीजिए ना मेरे साथ, बात कीजिए मेरे साथ। ओके, अब शरद इज शेखर फादर, हाँ शरद किसका बाप है? अब शेखर का बाप कहाँ पे आएगा? ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? शरद। तो ये पॉजिटिव आया, तो इट मीन्स ये तनु का ग्रैंडफादर है, ठीक है ना? मत डरो आप। इन टर्म्स ऑफ ए रिलेशनशिप, व्हाट इज अंकुर ऑफ शरद? अंकुर क्या लगता है शरद का? ग्रैंडसन। इजी है ना, खुदा की कसम इजी है। तो ये किस पे डिपेंड है बेटा? ये सारा डिपेंड है ट्री पे। देखो आफ्टर ये पहला लेक्चर है ना, जब मैं दूसरे पढ़ाऊंगा ना अलग अलग टॉपिक्स, तब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी। लोग कहते हैं कि ब्लड रिलेशन टफ है, आपको सबसे इजी वही लगेगा। मैंने इसीलिए ये पहले उठाया ताकि आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक। हाँ ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट टाइप सेकंड, बेटा दिस वाज टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड सीखना जरूरी है। जब आप बुक खोलोगे ना, वहां पे आप पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस, ये जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान को इंट्रोड्यूस करता है, लाइक पॉइंटिंग टू अतुल, रेखा कहती है, अतुल की तरह इशारा करके, रेखा रेखा कहती है कि जो इसकी माँ है वो उस बहन है उसकी माँ, ठीक है। अब बता दो कैसे है। या पॉइंटिंग टू राज, रामा सेज हिज फादर इज द थर्ड सन ऑफ हर ग्रैंड फादर, हाउ इज रामा रिलेटेड टू। अब क्वेश्चन क्या करे, इस तरह के क्वेश्चन अगर होते हैं ना, तो एक सिंपल सा तरीका, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा पहले तरीके में, जो हमने पहले क्वेश्चन किए ना, पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा उसमें, ठीक। फिर हम सॉल्व करेंगे इजीली, मगर पहले ये कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, डी इंट्रोड्यूस सी सेइंग, डी इंट्रोड्यूस किसे कर रहा है और कह रहा है, बात कौन कर रहा है? डी। डी कह रहा है, इंट्रोड्यूस सी सेइंग, कह रहा है ही का मतलब सी, ही का मतलब, क्योंकि किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज सी इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई, माई की जगह डी, क्योंकि डी बात कर रहा है ना। यू हैव टू कन्वर्ट इट, यू हैव टू, जरूरी, आपको जरूरी और जरूरी कन्वर्ट करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे कन्वर्ट करना है। डी इंट्रोड्यूस सी सेइंग, डी इंट्रोड्यूस कर रहा है किसे और कह रहा है ही के बजाय आप लिखेंगे सी, सी इज द हस्बैंड, सी इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द फादर ऑफ माई, ये माई कह रहा है ना, माई की जगह आप लिखेंगे ऑफ डी इज, इज इट क्लियर? टफ लगा, आपने कन्वर्ट किया, देखो कन्वर्ट क्या कैसे किया। सी इज द हस्बैंड, सी क्या है? पोती का, ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ डी इज फादर। हम इसे कन्वर्ट करें इजीली, देखो डरना नहीं आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये फादर ऑफ डी इज फादर है, फादर ऑफ, इज इट क्लियर? डी यहां पे, डी का फादर यहां पे और डी का ग्रैंड फादर यहां पे, नहीं समझ आया? है ना ये फादर ऑफ, हाँ उसकी एक पोती है, उसकी एक, समझ आ रहा है? और सी उसका, हाँ इसकी पोती कहां पे आएगी? यहां पे, यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, समझ आ रहा है? तो यहां पे इसकी पोती यहां पे आएगी, जो कि इसकी बहन है ना, इसकी बहन, समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ सी क्या है इसका, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सी क्या ब्रदर इन लॉ? नहीं समझ आया, फिर से चलो हम अच्छे से आप क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत समझ आया कैसे कन्वर्ट करना है, डरना नहीं है। पहले ये थोड़ा यहां से मैं लिखूंगा, ये
हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट. बेटा आपने क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बताता हूं. बेटा डी इंट्रोड्यूसेस सी सेइंग ही मींस सी. सी इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ डीज फादर. इज इट क्लियर? तो आप इसे करेंगे डिवाइड. क्या करेंगे? देखो फादर ऑफ डीज फादर, फादर ऑफ इट इज डीज ग्रैंड फादर. इज इट क्लियर? समझ आया? टफ लगा? फादर ऑफ डी यहां पे, डी का फादर यहां पे और डी का ग्रैंड फादर यहां पे. समझ आया? टफ लगा? डी यहां पे, डी का फादर यहां पे और डी का ग्रैंड फादर यहां पे. टफ मत लगा. अब बताओ तो ग्रैंड डॉटर है ना, ग्रैंड डॉटर किसकी? इसकी. दैट इज इसकी ग्रैंड डॉटर. इसकी वो तो यहां पे नहीं आएगी क्योंकि ये इसकी बेटी होगी. अब यहां पे जो आएगी वो या तो इसकी बेटी होगी, समझ आ रहा है, या इसका कोई अंकल होगा उसकी बेटी होगी. इज इट क्लियर? अब बात मुझे बता दो, यहां पे इसकी, यहां पे ये कौन है? ये ग्रैंड डॉटर है. तो ग्रैंड डॉटर यहां पे आएगी. अब मुझे बताओ इसकी बहन है, ठीक है. अब इसका हस्बैंड कौन है? इसका हस्बैंड कौन है? अब मुझे बता दो बेटा हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? ब्रदर ब्रदर इन लॉ. टफ लगा? नहीं समझा? फिर से समझाता हूं. जब डी का ग्रैंडफादर ये है, डी का ग्रैंडफादर ये है, डी का बाप ये, तो इसकी बेटी जो है ना वो यहां पे है. ये आपस में है ना भाई बहन, आपस में क्या है ये? भाई बहन. और इसका हस्बैंड कौन है? तो सी क्या है? ब्रदर इन लॉ. किसका? डी का. ठीक. तो कन्वर्ट कैसे करना है? पहले आपको ये बनाना है, बनाया, फिर आपको देखना है ये क्या है. ठीक. और अच्छे से आपको आएगा, डरने की जरूरत नहीं है. टफ लगेगा, पहली बार पढ़ना है ना, है ना. देखो और एक तरीका दिखाता हूं, और एक तरीका दिखाता हूं इसका. ठीक है. यहां पे देखिए सी हस्बैंड है. सी, अगर सी हस्बैंड है यहां पे किसी का होगा ना ये, हाँ, जो कि पोती है डीज ग्रैंडफादर की, ये है ना, डीज ग्रैंडफादर. अब मुझे बताओ पोती किसकी है? ये डी के ग्रैंडफादर की. समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ डी यहां पे होगा, डी का बाप यहां पे होगा और डी का ग्रैंडफादर यहां पे होगा. तो इसकी पोती है ना ये, समझ आ रहा है? तो ये आपस में भाई बहन हो गए ना, तो ये बना ब्रदर इन लॉ. इजी? लेकिन पहले मैंने वैसे दिखाया, अब ऐसे दिखा रहा हूं. ठीक. सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड जो आपको इजी लगे? ठीक, जो आपको इजी लगे. नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट. हाँ, डरना नहीं, बहुत इजी है. पॉइंटिंग टू अतुल, रेखा सेज, अतुल की तरह इशारा करके रेखा कह रही है दैट हिज, हिज मतलब अतुल्स मदर. बेटा अतुल्स इज द ओनली सिस्टर ऑफ हर, हर मीन्स रेखा, रेखाज मदर. समझ आया? देखो पहले कन्वर्ट करना है ना, क्या लिखेंगे? Pointing to Atul, Rekha says that his mother, that is Atul's mother, is the only sister. ये सिर्फ एक बहन है. Of her, her का मतलब बेटा, her का मतलब of
रेखाज मदर। देखो सिस्टर ऑफ रेखाज मदर, रेखा, रेखा माँ उसकी बहन आएगा, उतुल की माँ वो है। हाँ जी, देखिए अब उतुल की माँ इज द ओनली सिस्टर ऑफ रेखाज मदर, ठीक है, पहले उतुल को बनाए, एक मिनट। हाँ, अब उतुल्स मदर, इज इट क्लियर? ये सिर्फ एक बहन है, यहां यहां देखो, उतुल, उतुल मदर, ठीक है, ये सिर्फ एक बहन है, किसकी? रेखा की मां की। सो रेखा की मां और उतुल की मां आपस में बहन है, समझ आ रहा है? तो रेखा की मां यहां पे होगी, तो रेखा यहां पे होगी, ये आपस में बहन और बहन है, तो ये दो मसेरे। नहीं समझ आ रहा है? यू आर नॉट गेटिंग, फिर से समझिए। उतुल, उतुल मदर इज द ओनली सिस्टर ऑफ रेखाज मदर, ये सिर्फ बहन है किसकी? रेखा की माँ की। तो रेखा यहां पे, रेखा की माँ यहां पे। सर आपने रेखा यहां पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रेखा की माँ है ना इसकी बहन, सेम जनरेशन में आया, ठीक है, तो आपस में ये दो बहने और ये मसेरे भाई बहन, इज इट क्लियर? तो ये उतुल है, ये रेखा है। अब मुझे बताओ क्या लगता है आपस में? कजन, कजन ये भी पता है, मसेरे, समझ आया कि नहीं? इजी है ये, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। क्या करनी है? प्रैक्टिस, ठीक है। और ये ना समझना कि आपको पहले ही दिन आएगा सारा, पहले दिन सारा, पहले दिन आपको 60% आएगा। क्या आएगा? टाइम होता जाएगा ना, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे ना, फिर 5 दिन के बाद 80, फिर 90, समझ आ रहा है? तो पहले ही दिन ये ना समझना नहीं ये पार्टनरशिप है मैंने खत्म किया, नहीं ये एंट्रेंस है, ठीक, ओके। नाउ लास्ट वन, हाँ, रत्ना सेज, रत्ना कह रही है, गौरव्स फादर, क्या बेटा? मैंने अब आंसर यहां पे रखे हैं, अब चेक कीजिएगा। गौरव्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई, माई मीन्स रत्नास फादर, इज इट क्लियर? समझ आया कि नहीं? देखो गौरव का बाप है ना, यहां यहां देखो, गौरव का बाप सिर्फ एक बेटा है रत्ना के बाप का। नहीं समझ आया? देखो रत्ना का बाप ये रत्ना है और ये रत्ना का फादर है ना, और गौरव का बाप इसका एक बेटा है। नहीं समझ आया? जो रत्ना का फादर है ना, इसका एक बेटा है, इसका वो कौन सा है? गौरव का फादर। तो इसका अगर एक बेटा है वो, जो कि गौरव का फादर है, इज इट क्लियर? समझ आया? गौरव कहां पे आएगा? ये आपस में बहन भाई, ये आपस में बहन भाई, ये इसकी क्या लगती है? पूफी है ना, टफ लगा? नहीं, गोलियां चल गई। रत्ना यहां पे है, रत्ना का बाप यहां पे है, रत्ना के बाप का सिर्फ एक बेटा है गौरव का फादर, समझ आ रहा है? गौरव नहीं, गौरव का बाप। तो इसका बेटा यहां पे आएगा, वो कौन है? गौरव का बाप। अब गौरव कहां पे आएगा? नीचे, इज इट क्लियर? समझ आया? तो ये इसकी पुफी है, ठीक। टाइप टू डन, ठीक, क्लियर, ठीक। वन मोर क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू राज, पॉइंटिंग टू रामा सेज, राज की तरह इशारा करके रामा कह रही है, रामा सेज हिज फादर मींस राज's फादर इज द थर्ड सन, इज द थर्ड सन ऑफ हर, हर मीन्स रामा, रामा's ग्रैंड फादर। टफ लगा? ठीक है, ये इजी है,
ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन इसे ये दो हिस्सों में आप डिवाइड कीजिए। ये देखो रामाज ग्रैंडफादर है ना, देखो रामा यहां पे है, रामा का फादर यहां पे है और रामा का ग्रैंडफादर यहां पे है। इज इट क्लियर बेटा? यहां यहां देखो, रामा यहां पे है, रामा का फादर यहां पे है और रामा का ग्रैंडफादर यहां पे है। अब राज का फादर जो है ना वो तीसरा बेटा है, समझ आ रहा है? रामा के ग्रैंडफादर का। किसका? नहीं समझ आया? पहले रामा था, उसके बाद रामा का फादर, उसके बाद रामा का, तो इसके तीन बेटे हैं ना। लेट इट बी दिस इज वन, यहां पे दूसरा बेटा होगा और यहां पे तीसरा बेटा होगा। इज इट क्लियर? समझ आया? या यहां पे वन, यहां पे टू, यहां पे थ्री। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ रामा के ग्रैंडफादर का तीसरा बेटा कौन है? राज का बाप। अब यहां पे आप लिखो ये राज फादर। अगर राज फादर यहां पे, तो राज यहां पे आएगा। इज इट क्लियर? तो राज का ग्रैंडफादर भी ये है। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? पहले समझना। ये आपस में भाई है। नहीं समझ आया? भाई भाई भाई। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ ये राज का अंकल, ये राज का अंकल। इज इट क्लियर? टफ लगा? अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगर ये राज का बाप है, ये इसके अंकल्स है, तो ये अंकल की बेटी है ना रामा, तो कजिन हुई। अब ऐसा भी हो सकता है जो राज है ना ये इसका बेटा है, हो सकता है ना, क्योंकि 3 2 1 1 2 3। नहीं आया? समझ? फिर से समझिए। मैंने कहा पहले आपको ये समझ नहीं आया, रामा के ग्रैंडफादर का तीसरा बेटा जो कि राज का बाप है, जो कि राज का बाप, तो राज का बाप ये दूसरा बेटा, ये पहला बेटा जो कि रामा का फादर है। समझ आया? तो इस रिलेशन से ये आए कजन, क्या आए? अब जरूरी है कि राज इसका बेटा है, राज इसका भी बेटा हो सकता है। अगर इसका बेटा है तब क्या है? तो कजन और सिस्टर इज योर एग्जैक्ट आंसर। कंफ्यूज हो गए मैम? बताए आपको पता है ये ऐसा नहीं है गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू। अच्छे से पहले समझ आएगा, इस पे आपको वर्क करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समझ आ रहा है? काम करना पड़ेगा इस पे, यहाँ पे आपको काम करना है। यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस बेटा, तब जाके आपको आएगा अच्छे से। अगर नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा। ठीक? ओके नेक्स्ट। Pointing to Amir in a photograph, Shazia कह रही है, Shazia said, Amir की तरह इशारा करके, Amir की तरह, pointing to Amir in a photograph, pointing to Amir in a, Shazia said, his brother's father is the only son of my, चलो photograph जो है ना pointing to Amir, Amir की तरह इशारा करके, in a photograph. ठीक है, शाजिया सेड हिज ब्रदर्स, आप बताओ आमिर्स, या फोटोज वो छोड़ दो आप, आमिर्स ब्रदर्स फादर, आमिर्स इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। देखो ये सॉल्व करेंगे हम ऐसे, आमिर्स ब्रदर्स फादर, इट इज आमिर्स फादर है, ये क्या है? इज इट क्लियर? माई की जगह क्या बेटा? शाजिया, माई की जगह क्या लिखेंगे हम? सन ऑफ शाजियाज ग्रैंडफादर। देखो शाजिया है ना, शाजिया का फादर यहां पे,
शाजिया का ग्रैंडफादर यहां पे। शाजिया के ग्रैंडफादर का सिर्फ एक ही बेटा है जो कि आमिर का बाप है। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है? शाजिया के राइट अंडरस्टैंड, शाजिया के ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है, एक ही बेटा है। इसके अलावा अब शाजिया का ग्रैंडफादर, इसका एक बेटा है, बेटा है ना ये, जो कि शाजिया का ही फादर, वो किसका बाप है? तो आपस में भाई बहन, इज इट क्लियर? टफ लगा, इजी आ लगा? आ समझ आ रहा है? आपको तीसरी बार ऑनलाइन पढ़ना है, उसको पहली बार पढ़ना है ऑनलाइन, है ना? मतलब ऑनलाइन लेक्चर आपका होगा ना तीसरा, उनका क्या होगा? समझ आ रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत उन्हें मेहनत लगेगी, लेकिन अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आएगा। हाँ, एक घंटे का वीडियो उन्हें बनेगा 3 घंटे का। आपने समझ आ रहा है ना? समझने के लिए यहां तक ठीक। सो नाउ द लास्ट टाइप 3 बेटा, क्या? हाँ, टाइप 3 लास्ट, 2 questions है इसके, तो ये मैं कर लेता हूं और उसी के साथ ये बुलेट रिलेशन खत्म होता है। खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म नहीं होता है, खत्म किया जाता है। हाँ, मगर रूल्स इतने ही है, रूल्स इतने ही है। अब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अच्छे से आएंगे। लेकिन अब ये ना समझना कि सर इस वक्त बज गए 9, हम शाम को 10 बजे देखेंगे हमें आएगा कि नहीं। पहले ही दिन नहीं आएगा, ठीक है? बी विद द प्रॉब्लम, यू विल गेट सॉल्यूशन। ओके, नाउ लिसन, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताता हूं। कह रहा है इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक, ए माइनस बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए परसेंट बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, एंड ए इनटू बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और फोर्थ पॉइंट ये। डरना नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, कोई बात मतलब डरने की जरूरत नहीं है। देखो ए प्लस बी, ए इज द मदर ऑफ, सो प्लस का मतलब मदर। समझाया? फिर से समझना, ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, माइनस का मतलब ब्रदर। ए परसेंट बी, ए इज द फादर ऑफ बी। आर यू गेटिंग? ए इंटू बी, ए इज द सिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। हमारे पास अब क्वेश्चंस है बहुत। जो पहला पार्ट है हमारा वो मैं आपको दिखाता हूं। वी आर हैविंग 4 parts अराउंड 2, 3। जो पहला है ना, जो पहला दे के है वहां पे, वहां पे कहा गया है जो पहला ए पार्ट, क्यू माइनस एन, क्यू माइनस एन प्लस एम इंटू पी। जो बी है ना, ये बी का मतलब दूसरा पार्ट है, ठीक है? और दूसरा पार्ट है पी प्लस एस इंटू एन माइनस क्यू। सी का मतलब पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज क्यू माइनस एस परसेंट पी। सिंपल, अब डरना नहीं है। अब आपको ये आया ना, क्यू माइनस एन, माइनस का मतलब क्या है? सो क्यू इज द ब्रदर ऑफ एन। नहीं आया समझ? क्यू, क्यू इज द ब्रदर ऑफ एन। समझ आया? और पहले आंसर क्या हमें निकालना है, याद रखना, आंसर हमें निकालना है इन में से कौन हमें बताता है कि P अंकल है Q का। P क्या है? तो P याद रखना ऊपर आएगा, Q नीचे आएगा, और P मेल होगा। समझ आ रहा है? ठीक, टफ लगा? सो P इज द अंकल ऑफ Q। अब Q यहां पे है, ठीक, Q माइनस N, Q इज द ब्रदर ऑफ N। अब क्या है? प्लस, प्लस क्या? हाँ, so n is the mother of, n is the mother of, is it clear? Okay, फिर
इंटू पी, इंटू का मतलब तो एम इज द सिस्टर ऑफ पी, सो एम जो है वो सिस्टर है किसकी, पी की, सो पी मतलब अंकल है क्यू का, तो ये गलत है, समझ आया? पहला ऑप्शन, इज इट क्लियर? अभी समझ आया, पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि अंकल ऊपर हो सकता है, क्यू नीचे, है ना? इज इट, हमें बताना है ना, पी अंकल है किसका, क्यू का, इज इट क्लियर? तो द नेक्स्ट वन, पी प्लस एस, प्लस का मतलब मदर, सो पी इज द मदर ऑफ एस, पी इज द, तो हमें बताना पी मैटरनल अंकल है, तो पी मदर आया ना, नहीं कि पूरा करें, हमें पी क्या बताना है, अंकल है किसका, क्यू का, तो पी तो मदर बना, अंकल मतलब बनेगा, इज इट क्लियर? ओके, थर्ड वन, पी माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, सो माइनस का मतलब है ब्रदर, सो पी इज द ब्रदर ऑफ एम, इज इट क्लियर? ठीक, फिर प्लस एन, प्लस का मतलब मदर, सो एम इज द मदर ऑफ एन, सो एम इज द मदर, ओके थैंक यू वेरी मच, तो मैं आज सफल हो गया, जब गलती आपने निकाली तो समझ आया है आपको, सो एम इज द मदर ऑफ, ओके एन इंटू क्यू, इंटू का मतलब, तो पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? ठीक है, फोर्थ भी करेंगे, अब ये तो है, ये तो है हमारा आंसर, ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, q माइनस एस, q परसेंट, s इज द फादर ऑफ p, समझ आ रहा है? सो p नहीं है अंकल q का, p अंकल है यहां पे q का, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, समझ आया बेटा? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, आपको एक ऑप्शन लेना है इसमें, चलो इस तरह के, तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पहला सीधे, दूसरा कन्वर्ट, और तीसरा ये, ठीक है, इसमें टॉपिक बहुत इजी भी है आगे, मैं पहले वही उठाता लेकिन वो आपको धोखा लगता, धोखा समझ आया? आप उन्हीं की प्रैक्टिस करोगे एंड तक, वो तो इजी है ही ऑलरेडी, समझ आ रहा है? मैं सोचता हूँ जब इसकी प्रैक्टिस आप करोगे ना, इसमें होल्ड होगा आपको और ये आपको आएगा, नो द लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, अब a प्लस बी मीन्स, देखो बेटा क्या कह रहा है, a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, ठीक है, सो प्लस का मतलब जो है दैट इज ब्रदर, प्लस का मतलब क्या है, ओके, a माइनस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, माइनस का मतलब, ओके, a इंटू बी मीन्स a इज द फादर, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट c इज द सन ऑफ m, c बेटा है किसका, तो c मस्ट बी पॉजिटिव, m नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इज इट क्लियर? तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है, सो चार, पहला है m माइनस n इंटू c प्लस f, है ना, m माइनस n इंटू c प्लस f, ठीक, f माइनस, f माइनस c प्लस n इंटू m, और थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है इट इज n प्लस m माइनस f इंटू c, एंड द फोर्थ पार्ट इज m इंटू n माइनस c प्लस f, ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, आप मुझे बताएंगे m माइनस n, माइनस का मतलब सिस्टर, सो m इज द सिस्टर ऑफ n, m इज द, इज इट क्लियर, n इंटू c, इंटू का मतलब फादर, सो n इज द फादर ऑफ, n इज द फादर ऑफ c, ओके, हमें बताना है ना c इज द सन ऑफ m, ओके, c कांट बी द सन ऑफ m, नहीं समझ आया, यू नॉट गेटिंग, चलो पूरा बनाते हैं फिर आप देखोगे,
सो क्या है सी, क्या है ये, है ना, ये एन इंटू सी, इंटू का मतलब है फादर, सो एन इज द फादर ऑफ सी, इज इट क्लियर? ओके, सी प्लस एफ, प्लस का मतलब ब्रदर, सी इज द ब्रदर ऑफ, सो व्हाट इज, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है अब बताइए सी इज द सन ऑफ एम, क्या सी सन है एम का, ये मत है एक दूजी के लिए, तो ये नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ माइनस सी, माइनस का मतलब सिस्टर, सो एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, ओके, एंड इसके बाद प्लस, प्लस का मतलब है ब्रदर, प्लस का मतलब है ब्रदर, है ना, प्लस का मतलब है ब्रदर, सो सी इज द ब्रदर ऑफ, सो सी इज द ब्रदर ऑफ एन, ओके, एन इंटू एम, सो एन इज द, इंटू का मतलब है एन इज द फादर ऑफ, हमें क्या बताना है दैट सी इज द सन ऑफ, सी इज द सन ऑफ एम, ये ऊपर आया ना, सी मत होगा सन, अब तीसरा है एन प्लस एम, प्लस का मतलब ब्रदर, एन इज द ब्रदर ऑफ एम, ओके, फिर एम माइनस एफ, माइनस का मतलब सिस्टर, सो एम इज द सिस्टर ऑफ एफ, ओके, इंटू सी, इंटू का मतलब फादर, सो एफ इज द फादर ऑफ सी, हमें क्या बताना है, सी इज द मत है, ये मत है, ठीक है, ओके, लास्ट ऑप्शन एम इंटू एन, सो एम इंटू का मतलब फादर, एम इज द फादर ऑफ एन, ठीक है, एम इज द फादर ऑफ एन, एन माइनस सी, सो एन इज द सिस्टर ऑफ, माइनस का मतलब सिस्टर, सो एन इज द सिस्टर ऑफ सी, तो ऑटोमेटिकली यहां से आया ना ये, तो वहां पे आया ना सी इज द सन ऑफ एम, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं, समझ आया, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो बेटा आया ना यहाँ पे, एंड दैट्स योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक, कोई क्वेश्चन? हो गया, ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको होंगे और मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लाएंगे सीयूईटी बुक, क्या लाएंगे, नया एडिशन अरिहांत की, किसकी, ठीक है, अरिहांत की बुक लाएंगे आप, किसकी लाएंगे, अरिहांत सीयूईटी की, ठीक, और याद रखना आपको एंड पे देना है ना एमबीए, अगर एमबीए करना होगा उसके लिए सीमैट देना होता है, वो पढ़ने की जरूरत, देखो 3 साल के बाद उसका फी होगा अराउंड 15,000, इस वक्त हम लेते हैं 7, समझ आ रहा है, या 8 हम लेते हैं, उस वक्त होगा 15, वो पढ़ने की जरूरत, क्योंकि मैंने लेवल आपको उसी की रखी है, मैंने छोटी लेवल आपको, समझ आया, तो 3 साल के बाद जो एंट्रेंस होगा वही सिलेबस में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वही डिफिकल्टी लेवल पे, तो बुक ये लाएंगे सीयूईटी की, और इसी का रिवाइज आपने उस वक्त करना है, और वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको।